लापरवाही के चलते एक युवक की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। थाना क्षेत्र के फालेन गांव निवासी एक युवक किसान के खेत से ज्वार काटते समय करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर लापरवाह विद्युत कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण से भी शिकायत की। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7 बजे गाँव फालेन निवासी दीपक उर्फ कल्लू पुत्र देवीराम अपने खेत में पशुओं के लिए चारा काटने गया। चारा काटते समय खेत में ऊपर लटक रहे 11,000 की लाइन की विद्युत चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। उसे परिजन उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बेटे के शव को देखकर पिता फूट फूट कर रोया। घर में चीख पुकार थी और हर किसी की आंखों में आंसू थे। मृतक के पिता देवीराम ने बताया, दीपक की 1 साल पहले शादी हुई थी। उसने पत्नी सखी 5 माह की गर्भवती है। दीपक का हाल में ही पलवल कोर्ट में चपरासी की पोस्ट की ज्वाइनिंग लेकर लौटा था, जो कुछ दिनों में ज्वाइनिंग करने वाला था। उन्होंने बताया, वे कई बार विद्युत विभाग के खेत में 11,000 की लाइन के लटकने की सूचना दे चुके हैं, लेकिन लापरवाह विद्युत विभाग ने उनके पुत्र की जान ले ली। पीड़ित ने थाने में लापरवाह विद्युत अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लोकेश गर्ग, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है? नाम देवीराम। कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई? घटना तारन से ज्वार काट रहे हो खेत में, तो तार के नीचे लटक रहे थे क्या? कैसे नीचे? तो ये विद्युत विभाग को आपने कंप्लेंट नहीं की थी पहले से? कम 10 बार कही। अच्छा, क्या कहते थे फिर? कोई ऑनलाइन शिकायत है, कोई आश्वासन ठीक है करवा देंगे। तो और हाँ, मतलब जब लाइट ना आ गई गांव में, जब विभाग के कहे थे कि लगवाई गई। अच्छा। अवैध लाने इस पर कम से कम 100 बार से कहा। क्या नाम का जो एक्सपर्ट हूँ? दीपक। उम्र कितनी होगी उनकी? ऐसी होगी 22 साल। मथुरा।